हे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज का जो मेरा मेकअप लुक है वो मेरा फेवरेट मेकअप लुक है। देखते चलिए कैसा लुक क्रिएट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अप्लाइंग कंसीलर बिकॉज आई हैव डार्क सर्कल्स और ये दिन ब दिन डार्क होते जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू बट आई हैव टू हाइड इट, सो आई एम अप्लाइंग कंसीलर। जब हम चले तो कंसीलर जो है वो एक बेसिक थिंग है मेकअप प्रोडक्ट में। अगर आप फाउंडेशन नहीं लगाते, आपको ज़्यादा कवर नहीं चाहिए अपना फेस, तो आप सिर्फ कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने सिर्फ डार्क स्पॉट्स हटा दें और आपको एक बिल्कुल नेचुरल लुक मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्लाइंग आई शेड ऑन माई आईज एंड इट्स अ न्यूड कलर। न्यूड कलर आपके आंखों पर ज़्यादा नज़र नहीं आएगा बट एक केकी लुक दे देगा। लाइक आई वॉन्ट अ केकी लुक और देन आई एम अप्लाइंग ये ग्लिटरी है। केकी के बाद आप थोड़ा ग्लिटरी दे दें, शाइनी दे दें, ठीक है? थोड़ी सी शाइन है ये, उसमें ज़्यादा नहीं है। केकी के साथ नज़र नहीं आ रही है, ये जो है सनलाइट में ज़्यादा चमकता है। मुझे सनलाइट में वीडियो बनानी चाहिए बट नहीं बनाई। खैर नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई इट इन सनलाइट। ओके, मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। ओके, सो दोनों आंखों में मैंने आई शेड अप्लाई कर लिया। देन इट्स टर्न फॉर ब्लैक पेंसिल। ब्लैक पेंसिल से जो है मैंने एक आई लाइनर टाइप लुक बनाना है। आई लाइनर टाइप नहीं, मतलब आई लाइनर लुक ही बनाना है। मैं आई लाइनर से नहीं बना रही, ये इससे जो है पेंसिल से थोड़ा मैसी टाइप भी हो जाएगा। आई लाइनर से जो है बिल्कुल फाइन लुक होता है। आप चाहे तो आई लाइनर से बना सकते हैं अगर आपको फाइन लुक चाहिए। मुझे इतना फाइन नहीं चाहिए। ओके, सो मैं जो हूँ पेंसिल से क्रिएट कर रही हूँ। ओके, सो आई लैशेज इस लुक में आप आई लैशेज तो बिल्कुल भी मत लगाना बिकॉज ये आई लाइनर इतना हैवी टाइप है। अगर आप आई लैश लगा लेंगे फिर तो मतलब आपको क्या लगेंगे, आई डोंट नो, आई कॉन्ट इमेजिन दैट। तो मस्कारा ही लगाएं, अपनी आई लैश को कर्ल करके मस्कारा लगाएं अच्छे से। इट विल लुक सो गुड ऑन यू। आई मेकअप जो है वो मेरा ख़त्म हो गया है लगभग। इसके बाद जो है मैंने फेस पे कुछ लगाया, फेस थोड़ा तो अच्छा लगूँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगूँ मैं जो फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन भी स्टिक है। ओके, फाउंडेशन स्टिक की है, उसको भी थोड़ा टैप करना, ज़्यादा हैवी नहीं करना, थोड़ा टैप ही करना। कौन सी मेरी अभी कल है ना, ये जो स्टिक मैंने लगाई है ना, ये आप हैवी मेकअप यूज कर सकते हैं क्योंकि इट इज सो गुड, बहुत अच्छी है, जबरदस्त है। और लाजमी नहीं है कि आप इस मेकअप लुक पे स्टिक ही यूज करें। आप फाउंडेशन, आपके पास जो भी फाउंडेशन जो आप लगाते हैं आप वो यूज करें। यू कैन डू दैट नो आई एम डूइंग व्हाट आई फॉरगेट दैट क्या था। ओके, ये जो है कंटूर है, कंटूर कंटूर कंटूर, इतना ज्यादा हैवी कंटूर नहीं है, थोड़ा सा। तुमसे प्यार हुआ फॉर दिस लुक कलर रिसेंटली एंड आई लव इट, आई लव इट सो मच। मैं ऐसा ब्लश भी लगाती हूँ बिकॉज इसका कलर कितना मजा आता है, इतना इंटेंस मरून कलर, मतलब वाओ। बेसिकली मैं रोज यूज़ कर रही हूँ आजकल और सब टैप करती हूँ क्योंकि अच्छा लुक गया था। टैप करने से ऐसा फ्रेश लुक आ जाता है ना आपके लिप्स पे, आपके मेकअप लुक पे। दो खत्म कर दो, हो गया यार। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, यार देखो अगर फ्रेश लुक बनाना है तो फिर टैप तो करना पड़ेगा, लगे तो कि असली रेड लिप्स हैं, मतलब पिंक लिप्स हैं, लाइक वैम्पायर वैम्पायर्स। ओके, मेकअप हो गया डन। आई हैव चेंज माय शर्ट, या बिकॉज आई लाइक इट, येलो कलर इज माई फेवरेट कलर। एंड इफ यू गाइस लाइक माई वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।